गुड मॉर्निंग। आज मैं जब हॉस्टल के बाहर निकल रही थी ना, तो गार्ड ने मुझे पूछा। मैं रोज की तरह हॉस्टल के बाहर निकल रही थी ऐसे बैग वगैरह, तो गार्ड ने मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो मैम? कहाँ जाएंगे? क्लास जाएंगे और कहाँ? फिर मुझे लगा मैं आज कुछ अलग दिख रही हूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है। पता है कल ना नोटिफिकेशन आया कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए अब टाइम एक्सटेंड कर दिया है। ये बीटेक के लिए है, टाइम एक्सटेंड कर दिया है एंट्री का नाइट में 10 बजे तक। मतलब वो 10 बजे तक अभी हॉस्टल में एंटर कर सकते हैं। पहले था 9 बजे, तो 9 बजे था तो उनको थोड़ी दिक्कत होती होगी, अगर कहीं बाहर जाए तो टाइम लगता होगा आने के लिए। तो फिर अभी 10 बजे कर दिया है। कितने रिस्ट्रिक्शंस है ना यहाँ, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। ऑनेस्टली बताऊँ मुझे ना इस कॉलेज की यही बात अच्छी नहीं लगी। रिस्ट्रिक्शंस तो है ही, चलो ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिस्ट्रिक्शंस है। और दूसरी बात यह है कि कैंपस सुंदर नहीं है। सुंदर इन द सेंस ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स, अच्छे अच्छे पेड़, ऐसे आप देखोगे ना जहाँ देखो वहाँ कचरा पड़ा रहेगा। देखो ना, देखो ये सरफेस कैसा है, पूरा ऐसे आधा तो मुझे लगता है जंगल ही है। ऐसा लगता है ना जंगल में खड़े कर दिए ये 4-5 बिल्डिंग और बन गया हमारा NIT वरंगल। छोड़ो, मैं आई हूँ कृष्णा मिस फॉर ब्रेकफास्ट। तो आज है लंच में छोले की सब्जी, दाल चावल, गोंगुरा चटनी। मतलब वो एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, उससे बना रहता है बूंदी पूरी। बस दिस इज स्मेलिंग वेरी बैड, जिंक। Today's academic schedule is over. Now I'm thinking, where should I go? Either library or my hostel. Let's see. तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया और मैं आ गई लाइब्रेरी। और ये रही हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी। सी, सॉरी यार, मेरे फेस पे यहाँ स्माइल नहीं दिख सकती क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। बाय बाय।